हेलो स्टूडेंट्स, तीसरा मॉक टेस्ट है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। 15 क्वेश्चन उससे हम स्टडी डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप लोगों को टाइम देंगे कि आप लोग पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, देन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अपने साथ आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आज से 5 बजे हमारी पहली DRS क्लास यूट्यूब पर डाइजेस्टिव सिस्टम की। छोटा सा मैं इंट्रो दूंगा, उसमें अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे फर्दर कंटिन्यू जरूर करूंगा। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट। देखिए जो क्वेश्चन है, बेसिकली फिर से मैं आपसे बता दूं, डायरेक्टली NCERT की लाइन से बेस्ड क्वेश्चन है और लेवल 1 के क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन। एक दो ऐसे क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिल जाएंगे, NCERT के लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट। ऑप्शन ए 10 से 12, ऑप्शन बी 12 से 16, ऑप्शन सी 8 से 10 या ऑप्शन डी 15 से 20। एक हेल्दी ह्यूमन एक पूरे लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ नहीं, वो सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और आपके सामने 10 सेकेंड का टाइम है। एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 16। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस पल्स जब हम चेक करते हैं तो 72 के अप्रॉक्स हम मिनिमम लेते हैं। तो उसी से हमको मालूम चलता है कि एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार वहाँ पे ब्रीथ करता है। तो 12 से 16 बार अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। हेल्दी मैन, क्वेश्चन नंबर 2, हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर। एक्सपायर मीन्स हवा बाहर निकालना और इंस्पायर मीन्स हवा अंदर लेना। हाउ मच एयर पर मिनट, कितने ml, ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं ये सारी की सारी वैल्यू ml में दी गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितने ml एयर अंदर ले सकता है और बाहर निकाल सकता है। तो बेसिकली मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है वो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इतनी हिंट दे दी, आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसके 4 ऑप्शन हैं, पहला है 6 से 8 हज़ार, दूसरा है 8 हज़ार से 10 हज़ार, तीसरा है 500, चौथा है 2500 से 3000 ml एयर। चलिए, और आपके पास यहाँ पर 10 सेकेंड का टाइम है कि एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितनी ml एयर अंदर बाहर कर सकता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। जैसे कि आपको मालूम है कि टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml। ओके, कितनी होती है 500 ml। अगर 500 ml होती है तो एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार यहाँ पे सांस ले रहा है। एक बार सांस ले रहा है तो 500 ml एयर वो अंदर ले रहा है। तो बर्पन 60, तो 6000 से 8000 तक एयर 1 मिनट में वो अंदर ले लेता है। तो ये टाइडल वॉल्यूम थी जो कि आपकी, जब NCERT में आपका वहाँ पे ख़त्म होता है टॉपिक आपका डायफ्राम वाला कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होता है, उसके जस्ट नीचे कुछ आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए गए हैं, उन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिकआउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो आपको नीचे NCERT में एक टेबल दी गई है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपकी एल्वियोलाई में, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एटमॉस्फेयर ऑफ टिश्यू में दे रखी है। तो मैंने ये क्वेश्चन वहीं से पिकआउट किया और मैं आपसे इस क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 40, बी 85, सी 95 या डी 105। ओके, 10 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी 95। जो 105 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 105 नहीं होता है, 159 जो होता है वो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है, लेकिन 95 जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ब्लड में ऑक्सीजन है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन जानता है, मतलब उसको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी वहाँ पर जानता ही होगा, इतना तो मालूम चल गया होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे ही कटआउट कर सकते थे। अब 95 और 105 में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 105 लगाया होगा अगर, तो उनकी गलती क्या हुई कि उन्होंने एटमॉस्फेयर में जो 159 दिया गया उनको थोड़ा सा वहाँ से उन्होंने लिंग आउट कर लिया। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, या टाइडल वॉल्यूम प्लस वीसी वाइटल कैपेसिटी। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है कि जो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो किन दोनों को मिलके बनी हुई होती है, किन दोनों का मिक्स मिल हम क्या मिलके हम उसको इक्वल कर सकते हैं। सो ऑप्शन आप लोगों को मालूम चल गया होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ओके, मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर दोनों को आप मिला दें तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कि एक पर्सन के अंदर इंस्पायर करने की एयर, टोटल एयर अगर फोर्सफुल तेज सांस में, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करे एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो कितनी एयर वो अंदर ले सकता है, तो उसकी वॉल्यूम की आंसर है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे ये लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन कहाँ से पिकआउट कर रहा हूँ ताकि आपको जब एनसीईआरटी आप पढ़ें तो ये पॉइंट आप वहाँ पे अच्छे से स्टडी कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 10 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपसे पूछा कि वो 100 ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में ट्रांसफ़र करेगा, 10 ml, 5 ml, 18 ml, 5 ml या 4 ml। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आपका सी। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द बाइंडिंग ऑफ O2। ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होते हैं, कौन से फैक्टर से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑप्शन बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑप्शन सी इज टेम्परेचर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे 10 सेकंड है। चलिए सुनिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए अगर आपसे पूछा तो मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता क्योंकि PO2 बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होती है। अगर आपसे पूछा विच ऑफ दीज अ फॉलोइंग और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी दे रखा है तो आप फिर ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। सारे के सारे फैक्टर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो, CO2 का हो, या फिर टेम्परेचर हो, ऑल ऑफ दीज सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ, जब हम ऑक्सीजन के एसोसिएशन पढ़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन का एसोसिएशन होना हीमोग्लोबिन के साथ, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होना चाहिए। जब हम डिसोसिएशन पढ़ते हैं, जब टिश्यूज में उसका डिसोसिएशन होता है, टिश्यू में वो टूटती है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होना चाहिए। ओके, तो ये सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम जब स्टडिंग करते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 की। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के जो आपको पता है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्मनी ब्रोंकाई, ये सारी की सारी मिलके एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लंग्स। तो विच ऑफ दीज डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई। यहाँ पे चार डिसीज के नाम दिए गए, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल है जिसमें इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई हो जाती है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, अस्थमा इज अ डिसीज जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइस से होती है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो पर्सन किसी फैक्ट्री या किसी मिल में वर्क करते हैं वहाँ से होता है। ब्रोंकाइटिस आपको मालूम है कि ब्रोंकाइटिस आपकी जो पार्थिनियम वहाँ से होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन थे, अगर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच परसेंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट। कितनी परसेंट CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है? देखिए ऑक्सीजन का तो हमको मालूम है कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, रेस्ट 3% ट्रांसफर हो जाती है। अब CO2 का पूछा कितने परसेंट CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसफर होती है।
आपके सामने ऑप्शन है ए 97, बी 70, सी 20-25 एंड डी 3%। और टाइम है आपके पास 10 सेकंड का। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है सी 20-25% ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के रूप में केवल 20-25% ही आपकी जो CO2 होती है वो ट्रांसफर होती है। 97% ही ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है, ये 70% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा के रूप में ट्रांसफर यहाँ पे की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन था सी। ये जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन पर ध्यान मत दिया करूँ। क्वेश्चन नंबर 9th, रेस्पिरेटरी रिदम प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ ब्रेन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेन रिदम सेंटर होता है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से रीजन में, सेरिब्रल में, मेड्यूला में, या नन ऑफ दीज? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो सकता है अगर आपने वो छोटा सा पैराग्राफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम का आपने पढ़ा हो। आपके लिए फिर भी यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सी मेडुला। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि मेन सेंटर होता है, जो कि आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि जैसे कि ये PO2 PCO2 में इनमें कंसंट्रेशन में चेंजमेंट जब देखने को मिलता है तब ये उनको सिग्नल भेजता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको हम बोलते हैं जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डैश द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा कॉन्स्टेंट रहेगा, या पहले इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा? ओके, तो आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ए बी सी डी। टाइम 10 सेकंड का है। चलिए, ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कि जैसे ही जब एक्सपायरेशन की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है उसी को हम बोलते हैं, जब ये सब होता है तब एक्सपायरेशन स्टार्ट हो रहा होता है, और जब हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी था। क्या चल रहा है, या दो बार मिस्टेक हो गई, बैक हो गई इमेज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेज्ड। चार आपको दी गई हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, और चार में से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेज्ड। टाइडल वॉल्यूम 300 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500-3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000-1100 ml, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100-1200। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत बना दिया जा चुका है, बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्टली होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, इनमें से कौन सी करेक्टली मेज्ड नहीं है? अब आपको आंसर तो मालूम चल गया होगा, इसलिए इसमें टाइम नहीं देंगे। ऑप्शन ए, टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml होता है और मैक्सिमम आपका जो पर मिनट के हिसाब से 6000-8000 होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गलत हो गया, क्वेश्चन आपका नॉट करेक्टली पूछा जाना था। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनम वेंट्रली सिचुएटेड होता है, डॉर्सली सिचुएटेड होता है, लेटरली सिचुएटेड होता है, या लोअर साइड में सिचुएटेड होता है? इसके लिए पूरे 10 सेकंड का टाइम आपको फिर से दिया जाता है। चलिए, अगर हम बात करें स्टेनम की, तो स्टेनम आपका वेंट्रली यहाँ पे सिचुएटेड होता है। स्टेनम कैसा सिचुएटेड होता है, वेंट्रली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सम फ्यू मोर, लास्ट 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच पेयर ऑफ द रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। अब आप कहेंगे ये ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जब आपको डायफ्राम का ऊपर जाना नीचे जाना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ाया होगा, तब आपने को रिब्स के बारे में पढ़ाया होगा, क्योंकि रिब्स का भी काम होता है, और इन रिब्स का काम होता है फ्लोटिंग रिब्स का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लोटिंग पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। ए 11-12, बी 1-7, सी 7-8, और डी नन ऑफ दीज। 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, लास्ट पेयर 11 और 12वीं जो पेयर ऑफ रिब्स होती है वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, कि इंस्पायरेशन जो है वो आपकी पैसिव प्रोसेस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है यस, इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, वाइल द एक्सपायरेशन इज
एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि एक्सपायरेशन में बॉडी की एनर्जी भी रिलीज आउट होती है. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एल्वियोलाई. इनमें से कौन सा एल्वियोलाई के लिए करेक्ट है. पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए. बी, यहाँ पे पार्शियल जो लो टेम्परेचर होता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, या ऑल ऑफ दीज. एल्वियोलाई के लिए कौन से फैक्टर में से ये सही है. अब मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के पास से ही उठाया है, उसी टॉपिक से, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से. अब आपको मालूम होगा कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. अगर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा. बिल्कुल सही. वहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है तो लो टेम्परेचर और लो PCO2 होना चाहिए. ओके, तो ये चारों के ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात कि हमारे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं. आई होप आपको ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे. ये 3 मॉक टेस्ट हो जाने के बाद 2 मॉक टेस्ट और होंगे, और जो एवरी संडे, हर संडे को आपके जितने भी टॉपिक के अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट किए हैं उनके कम्बाइंडली मॉक टेस्ट अब यहाँ पे किया करेंगे. इकोलॉजी का हो गया, आपका डाइजेस्टिव का हो गया, आपका फिर यहाँ पे जो आज ब्रीथिंग एंड गैसियस सेक्शन का हो गया, कल आपका न्यूरल सिस्टम का मॉक टेस्ट है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.